Fellas, welcome back. Don't. Oh, come on. इतना time हो गया, इतनी बार हो चुका है ये. अब तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए अब तक तो. Anyways, we are back और आज कोशिश है इस picture को complete करने की, which means इस game को complete करने की. Gone. क्या gone? किसके बारे में बात हो रही है? मेरे मुंह पे दरवाजा बंद मत करो. और वी आर बैक विद द भूल भुलैयाज. ऑनेस्टली बताऊँ तो ड्रॉर्स एक्सप्लोर करने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ. वेडिंग कार्ड है. ओह व्हाट ले भाई, शैडो गायब हो गई. डेविल की. ओके फिर से तीन गेट. ओके लैंप ना बंद करो भाई. इजी टू फॉरगेट ड्रंक. Not yet time. Okay, थोड़ा सा शेक हुआ मैं. But not enough. ये घर उजड़ा हुआ दिखा रहे हैं इसका, कि इसके decisions कैसे इसके घर को उजाड़ गए. Right? Hey, I am back. मेरे को जहाँ तक ये गेम समझ में आ रही है ना, ये बेसिकली अपनी पेंटिंग में इतना खो गया था कि इसने अपने परिवार को दांव पे लगा दिया और इसकी वजह से रिलेशनशिप्स में दरार आने लगी. और अब इसका परिवार उजड़ चुका है उस पेंटिंग के चक्कर में और ये उन्हीं मेमोरीज को याद कर रहा है कि मैंने कितनी ऐसी. देखा इसकी वाइफ है ये. धप्पा धुप्पा कुछ. वाइफ का फेस भी कैसा है? तो मेरे को हॉन्ट कर रही है तू? क्या सीन है? ये इसकी बैड मेमोरीज है जो इसे डरा रही है. ये मेंटली इल पेंटर है जो कि मैं हूं अभी. ऑलराइट जंप स्केयर्स देते रहो, अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा शेक. चूहा, चूहे ने मेरे को की दी. नहीं ड्रॉर्स मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ऑनेस्टली मेरे को ड्रॉर्स इतने गंदे लगते हैं गेम्स में. कुछ होता वोता है नहीं. इंस्पायर्ड ओसीडी हैविंग अ टेंडेंसी टूवर्ड्स एक्सेसिव. हाँ वो परफेक्शनिज्म वगैरह वाली जो ड्रामी है मेरे को भी कुछ हद तक है, लोगों को होती है. अबे तेरा ही पीछा करता रहूं मैं. वाह भाई डर गए भाई, तेरे को पकड़ लूंगा मैं चूहे. रुकूंगा ही नहीं, स्पीड रन कर रहा हूं मैं. वो भी स्पीड रन कर रहा है, बताओ छेद में से चला गया. अब मैं कहां से जाऊं? गेट खोल सकता हूं मैं. ये देखा, ये चीज बढ़िया है. तुम अब जंप स्केयर दे सकते हो. लाइक अभी मैं डर जाऊंगा भाई. क्लोज. मेरी हेल्प कर रहा है तू गेम स्पीड रन करने में. तू इधर क्यों आया? तू उधर जा रहा था. ओह तभी मेरे को पासवर्ड चाहिए अचानक से. कोड भी ला के दे दे भाई. कैट डॉग रैट. अरे यार ले भाई मेरे को लाइंस. ओके 687 होना चाहिए कोड, क्योंकि रैट है तो रैट का कोड होगा. पजल चैंपियन फॉर अ रीजन. नहीं ओके मे बी आई एम नॉट अ पजल चैंपियन. समझा मैं. तो ये बेसिकली रैट दिखा रहे थे लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम खत्म करनी थी तो मेरे को कैट वाला सेलेक्ट करना था. तो ये कोड मैंने कैट वाला डाला है अभी. लेकिन बंद है गेट अभी भी, फायदा क्या हुआ? अच्छा चलो भाई रैट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई. आग लग गई रे, डरा भी दिया मुझे. ऐसे साउंड से ही डरा सकते हो तुम लोग बस. बेबी बेबी की क्राइंग और वुमेन की स्क्रीम्स, ये दो चीजें हैं जो एक हॉरर गेम को हॉरर गेम बनाती हैं. डरावनी लगती हैं भाई ये दोनों चीजें. ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इतना बड़ा पैराग्राफ कौन लिखता है? टू द पॉइंट बात करो. फालतू का टाइम है मेरे पास ये सारे पैराग्राफ पढ़ते रहूंगा. स्पीड रन करनी है मुझे. लाइट जलाना अच्छा है. साउंड भी सेटिस्फाइंग थी वो. अरे ले भाई सारे गेट बंद कर दिए. तो हम सामने चलते रहेंगे पर बिकॉज एक बार जो मैंने कदम आगे कर लिए फिर हम पीछे नहीं जाते. हाँ क्राइम सीन लग रहा है ये तो.
क्राइम सीन तो खैर पूरी गेम ही है ये। ओ वाओ, पेंटिंग्स क्रीपी हैं इस गेम में। क्या भाई? Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. So इसने ये वाला टूल यूज किया था अपने डॉगी को चुप कराने के लिए। देखा, ये परिवार के अगेंस्ट में हो गया था अपनी पेंटिंग पूरी करने के लिए। इतना पागल हो गया था ये उसके चक्कर में। आईज पे फोकस किया जा रहा है। इन चीजों से डरना लगा मेरे को। मेरे को देख रही है इतनी सारी आंखें। आई एम अ शाय पर्सन, डोंट डू दैट। या डेफिनेटली जिनको ये फ्लैशिंग लाइट्स का फोबिया है ना वो नहीं खेल सकता ये गेम। दुनिया भर की लाइट लुइट चमकाते रहे ये भाई। ये चूहे फेर आ गए भाई। अभी तुम्हारी पजल सॉल्व करी थी मैंने। चैन लेन दो मेरे को। आई गेस इधर से जाना है। चूहे भी इनडायरेक्टली मेरे को रास्ता ही बता रहे हैं। पॉइजन टू पेंट मास ऑफ व्हाट। ये अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए अजीब चीज़ों का यूज कर रहा था बेसिकली। हाँ, लॉक। आई मीन इतना पागल हो जाना एक चीज़ के चक्कर में समझ में आता है, क्योंकि कई लोग इतने पैशनेट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे कि वो कुछ भी कर जाते हैं उसके लिए। वो उनका लाइक ज़िंदगी का मोटिव बन जाता है। भाई ये तो बहुत क्रीपी लग रहा है। ब्लड है ये? अरे कमरा है पूरा ये तो, सीक्रेट वो भी। वेट, लीवर मिला मेरे को। लगाऊँ कहाँ पर मैं इसे? कोई रैट। ये रैट से भी तो बहुत परेशान थे। हाँ याद है, मेरी बीवी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। भाई रुक जा जीन दे। सारी बैड मेमोरीज मेरी वाइफ के अराउंड है। तो ये क्या डेथ हो जाती है मेरी? वो जब मेरे को पकड़ लेती है तो मेरे को पीछे नहीं देखना था। ला भाई रोना दोना ही मचा रखा पूरा। चेन, ऐसा लग रहा है ना कोई खींच रहा है चेन से, उनकी बॉडी फट रही है। नहीं हुआ कुछ भी। What the hell? अरे रस्सी वगैरह और ये रख रखी हैं भाई। टॉर्चर चेम्बर है ये। गेट खुल रहा था तो दूसरों को पेन देने की क्या जरूरत थी इसमें फिर? भाई ये चूहों की आवाज भी तेज हो गई है अब तो। अपने ब्रेन में ही पजल बनाने लग रहा है ये बेवकूफ भी। देख रहे हो इसे, सब ब्रेन का ही तो खेल है ये। ड्रीम वगैरह कर रहा होगा ये मे बी। कुछ भी नहीं हुआ। एक्सपेक्ट कर रहा था मैं बहुत सारी चीजें। नहीं, डू नॉट कम हियर। कहाँ है ये? Where the heck am I? सब तो सारे रूम सेम से ही लगने लगे हैं मुझे। कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा। कोई चल रहा है पर Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horde ran down. Hickory dickory dock. क्लॉक दिखाई है इस बार तो इन्होंने। अब भाई ये क्लॉक से क्या मतलब है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर से हम पिक्चर के पास आ गए आई थिंक। नहीं, अभी तो कोई और डिसगस्टिंग चीज मिलेगी जो इसने यूज करी थी। इवन दो यू आर माय राइवल एंड द सोर्स ऑफ ऑल माय सॉरोस, यू आर आल्सो द ओनली वन आई कैन स्टिल टॉक टू, द ओनली वन हु विल लिसन। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स फनी और मेयरली पथेटिक। Probably both. ये बोल रही थी कि तू ही मेरा सहारा है इवन दो तू कमीना है, ऐसा कुछ? अबे ये तो मेरा बेबी था ना, क्या हो गया तेरे को? चल तू भाई आराम कर। निकलते हैं यहाँ से। ए हेलो, थैंक यू।
स्टॉप डूइंग दिस। इसका फेस जला हुआ सा क्यों लग रहा है? फिर से डेथ हो गई। ये डेथ हो रही है मेरी, मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा। मुझे लग रहा है स्टोरी का हिस्सा ही है, इसमें डेथ तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, स्टोरी का हिस्सा ही। आई थिंक ये कमरे में आ गए हम, कुछ नहीं मिला पर मुझे, सैड। ब्लैक एंड वाइट, ओके, जिंदगी में फिर से कलर आ गए। हेलो सर। अरे तो मंकी आ गया भाई दोबारा। व्हाट्स द प्लान? ओ अबे बज कहाँ रहा है ये? व्हाट सीक्रेट दरवाजा? ओह टॉक टू मी, व्हाई वोंट यू टॉक टू मी? मुझे कैसे पता कौन सा नंबर लगाना है भाई? वो इतना ब्राइट ना हो भाई। मरा हुआ रैट था ना, यही सब देख रहा है ये ड्रामा। पिक्चर गिर गई। अच्छा 363। वो मैंने अभी देखा भाई, चेंज हो गया सब कुछ। कभी ये खुद ही तो फोन बजा देता है। ओ भाई साहब, ये तो बढ़िया लग रहा है। You promised. क्या प्रॉमिस्ड? अरे भाई बर्थडे वगैरह या एनिवर्सरी वगैरह का कोई प्रॉमिस होगा मे बी, लेकिन ये पेंटिंग में बिजी होगा भाई। तूने अपनी रिलेशनशिप खुद खराब करी है, तू डिजर्विंग है। मैंने अपने ड्रीम में सुसाइड कर लिया क्या? नंबर दिख रहा है मुझे नीचे पेंटिंग पे, 853। ओह जगहें चेंज हो गई, मैंने ही गिराया था ये। हाँ हाँ मैं अब इधर आ गया। बाबा नाइस। This solves nothing. It never has. It never will. ओके हम भी गिरने वाले हैं शायद। ओ भाई साहब डरा दिया रे सर। 354 ए। ये चीज थोड़ी अच्छी लग रही है, मेरे को ऐसे इलाके बड़े पसंद है। ये मेरे को थोड़ी थोड़ी स्ट्रे की भी याद दिला रहा है और दूसरी गेम्स की भी। देखो गेम्स कंपेयर करना मेरे खून में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं गिर क्यों गया? मेरे बगल में ही है फोन, मेरे को गिरना ही था। मैं ड्रीम के अंदर ड्रीम से जाग रहा हूँ। You deserve this. All of it. ये मंकी पिक्चर, ये मंकी पिक्चर डिजर्व करता हूँ मैं। मैंने ही तो नहीं बनाई ये, क्या ही तेरी आर्ट है भाई, समझ ही नहीं आएगा मेरे को कभी। लोगों की आर्ट प्रेफरेंस भी अजीब होती है। कौन क्या गिरा रहा है? मेरे सामने गिराओ, पीछे से वार करते हो। अरे फोन पिघल गया। I needed something to add the, how should I put it? Final touches. There it is. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? ये इसी की फिंगर है, I think. So basically ये एक साइकोपैथ है, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बोला। ये अपनी पेंटिंग कंप्लीट करना चाहता था और वो इस तरीके से करना चाहता था कि जैसे पहले किसी ने कभी करी ना हो। वी आर बैक। नाइस। बहुत ही अजीब ड्रामा भाई ये तो। फिंगर से क्या ही चेंज कर दिया तूने, मैं भी तो देखूं। क्या बना रहा है ये? बेबी बना रहा है क्या? पेंटिंग है ये? अरे अच्छा ये अपने वाइफ को कंप्लीट कर रहा था क्या? पेंटिंग तो अच्छी लग रही है नहीं? ऐसा लग रहा है सही में हाँ फाइनल टचेस से आ रहे हैं। वेरी नाइस यार। तो ऐसा तो नहीं है कहीं इसने अपने ही बॉडी पार्ट्स यूज़ किए हों? लेकिन ये तो पोनी टेल है, इसकी पोनी टेल थी। हो सकता है भाई, कई लोग रखते हैं पोनी टेल्स। और क्या रह गया? ऐसा कौन सा जंप स्केयर है तो जो तुम्हारी बुक में अभी बचा हुआ है जो मेरे को डरा सके? हाँ आई एम एक्साइटेड। जगहें तो चेंज हो रही हैं, जंप स्केयर का तरीका वही है। मेरे को कुछ स्केरी चाहिए, कुछ डरावना, हालत ख़राब हो जाए देखते ही। लॉक्ड डोर से तो डरने ही डरने वाला मैं। बहुत ही सारे एप्पल्स, किसी को एप्पल्स बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ। पेंटिंग्स, अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स। अरे वाह भाई,
किसी भी एंगल से एक अच्छी पेंटिंग नहीं है। लेकिन पता है क्या, जिनको हॉरर स्टफ पसंद है ना, उनको ये पेंटिंग इतनी अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरे को भी कई बार कई सारी चीजें इतनी प्यारी लगती हैं, हॉरर स्केचेस वगैरह। ये उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत बढ़िया पेंटिंग थी। आग लगी रे। क्या करूं मैं, भागो? नहीं, लॉक कर दिया मुझे। You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. ले भाई, अब्यूज कर रहा था ये तो अपनी वाइफ को। इतना पगला गया था तू। मेरी वाइफ रोती रहे भाई, के चक्कर है तेरा, फिर से डराएगी। साइकोपैथ से शादी कर ली तूने, तेरी गलती। आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं है उसमें। रैट्स को ला रही है वो, भागो। आई थिंक मेरे को जंप स्केयर लेना पड़ेगा। तू यहां से आएगी? क्लच मार दिया मैंने तो। आ रही है क्या ड्रमी? नहीं, लॉक। सिर्फ डराने के लिए था। ये नजारा अच्छा लग रहा है, हाँ, रेन वाला। वेरी नाइस। ओ ला भाई, नजारों के भी मजे ना लेन दिए। बंद कर दी कि नहीं देखेगा तू, तेरे को कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अरे वाह, कलरफुल। ये मेरे फर्स्ट एपिसोड का थंबनेल है, मैंने डाउनलोड किया था ऐसे ही। रियलिटी में ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई मीन अभी भी इन गेम है, पर फिर भी समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। व्हाट चेंज हुआ कुछ? जंप। ओके, मेरे को लगा चेनसॉ वाला बंदा आ रहा है। चेनसॉ वाला बंदा ही लग रहा है। ये सारे कलर्स जो भी हमें दिख रहे हैं ना, आई थिंक ये पेंट ही हैं। अरे व्हाट? डार्कनेस अभी लग रही है, कुछ हॉरर गेम रेजिडेंट ईविल वाली वाइब आ रही है। क्या आने वाला है ऊपर? अरे बेबी चिल्ला रहे भाई। ओके, शोर मचा रहे दुनिया। ऑल राइट, मचा लिया शोर। क्या है ये पेंटिंग्स? तो ये सीन ये दिखाना चाह रहा है कि इसकी पेंटिंग्स फेंक दी थी इसकी वाइफ ने, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप में दरार आ गई थी। मैं हर पॉइंट को ना समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सीन हुआ होगा। वाइफ ही तूने ऐसा क्यों करा? आई मीन आई अंडरस्टैंड भाई, साइकोपैथ हस्बैंड है तो ये सब हरकतें करनी पड़ती हैं। कुछ ज्यादा ही, इसे साइकोपैथ कहेंगे या इसे कहेंगे कुछ ज्यादा ही पैशनेट है ये बंदा। तूने बेड जला दिया फिर? सीरियल किलर है भैंस की तू। कैन यू इवन पेंट एनी मोर? वो फिंगर काट दी थी इसीलिए। व्हाट? ये इसकी वाइफ का लेटर है कि इसे अपनी डॉटर की शक्ल देखना भी अब पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। इसका हस्बैंड बहुत वंडरफुल था, लेकिन अब वो सिर्फ अपनी पेंटिंग की परवाह करता है। म्यूजिक सुन के अच्छा लगता था, लेकिन अब वो भी अच्छा नहीं लगता। इसकी वाइफ तो डिप्रेस्ड थी भाई, बहुत गंदी। और हो भी जानी चाहिए जब ऐसा साइकोपैथ बंदा रहता है साइड में। God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, immortal. किससे बात कर रही है ये? किसकी ब्यूटी? Don't tell me अपनी डॉटर की बात कर रही है ये। Oh hello. ये दूसरी ऐसी जगह इस गेम में जो मेरे को पसंद आई है। कलरफुल, एकदम क्लीन, वेरी नाइस। इज दिस द एंड? क्या हम जा रहे हैं हेवन में? म्यूजिक तो प्यारा से चला दिया यार, आई लाइक इट। ले वो कलरफुल रूम छोड़ा नहीं और म्यूजिक बंद भी कर दिया, और कि तू नहीं जाएगा उस अच्छी जगह पे, ये डार्कनेस पे जा। अरे वाह भाई, फिर से
What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Suicide? उसकी वाइफ ने डिप्रेशन में थी क्योंकि वो डैम भाई बहुत ही बुरी हालत थी. आई मीन मैं समझ भी, मेरे को ही साइकोपैथ लग रहा है ये बंदा, तो जिस हिसाब से इसकी स्टोरी ऐसे बताई जा रही है कि इसने पेंटिंग के लिए क्या क्या नहीं किया. कोई है? वो अबे अंदर जा भाई. हेलो, समुद्री दुनिया में सबनॉटिका बन गई है ये गेम. वाइफ, आई मीन अगर तुम समझ सकते हो ना पूरी स्टोरी और सीन, तो तुम्हें समझ में आएगा क्या सीन है. लाइक ये इन चीज़ों से दिखाना चाह रहे हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा था बेसिकली, इसकी इसकी वाइफ की, डॉटर की, इनकी रिलेशनशिप कितनी चेंज हो रही थी इसकी हरकतों के चक्कर में. व्हाट, मैं दोबारा जाने वाला हूँ? व्हाई? देख तो लिया मैं समझ. डिफरेंट सीन्स. तो इसकी वाइफ इतनी परेशान हो गई थी कि उसने ये फाइनली खतरनाक वाला कदम उठा लिया. हाँ, ये मेरी डॉटर है तो ये भी पेंटिंग करना चाहती थी मेरी तरह, मेरे पापा की तरह. तो वो जो बीच में बच्चा दिखा रहे थे ना, वो पेंटिंग करते हुए, मेरी डॉटर ही थी. हर बार हर जगह जहां भी ये डॉल्स और बेबीज की बात हुई है, मेरी डॉटर की स्टोरी बता रहे थे वो. मैं तो स्पीड रन करने में बिजी था पर लेकिन फिर भी मेरे को इनकी ओवरऑल स्टोरी तो समझ में आ गई. ये एक पेंटर की डिप्रेस्ड स्टोरी है, एक साइकोपैथ की, कि जब कोई कुछ ज्यादा ही पैशनेट हो तो वो सारी हदें पार कर सकता है. अगर 5-6 साल या 4 साल पुराना शुभम इस गेम को खेलता ना, मुझे टिंडा समझ नहीं आता इस स्टोरी में. ऑनेस्टली मैं स्टोरीज नहीं समझता था. ये अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही मैंने स्टोरीज पे ध्यान देना चालू करा है. मैं लिटरली, अगर मैं हॉरर गेम खेल रहा हूँ, आई विल फोकस ऑन जंप स्केयर्स, दैट्स इट. अगर मैं एक्शन गेम खेल रहा हूँ, मुझे सिर्फ किल्स से मतलब है, स्टोरी में क्या चल रहा है आई डोंट केयर. लेकिन अभी मैं बहुत स्टोरी पे ध्यान देता हूँ और काफी कुछ सीखने को मिलता है. कुछ तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है. Finally. Someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. यही माइंड सेंस होता है सभी सीरियल किलर्स और ये हरामखोर साइकोपैथ्स का. लाइक उन्हें ना ये चीज, उन्हें पता है जो ये चीज कर रहे हैं वो लाइक हॉरिफिक है, पर उनको ये भी लगता है कि इससे एटलीस्ट यू नो उनके माइंड में वो चीज ब्यूटीफुल है इन अ वे. उनको वो चीज इतनी एक्सट्रीम नहीं लगती. तो इसने जो ये आंख निकाली है अपनी वाइफ की निकाली जब उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि अपनी तो निकालेगा नहीं ना ये. हालांकि इसने फिंगर अपनी यूज करी आई थिंक, इतना तो पागल था ये. ठीक है भाई, डर गए भाई, चेंज कर दिया. अरे मेरी पेंटिंग पूरी नहीं हुई अभी भाई. व्हाट, कॉइल जला दी मैंने. अरे कान खराब हो जाएंगे रे. कंट्रोल बेबी रैट. एक और गेम खिलवा रहे भाई क्या? ओके, डर नहीं लगा मुझे. ये वैसे कि अचानक से धप्पा करने वाली गेम नहीं है ये. ये इन तरीकों से डराने की कोशिश कर रही है मुझे, पर मैं इन तरीकों से नहीं डरता. ओके, मुझे ऊपर देखना था, मिल गया मुझे. अरे बाप रे, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था. मैंने कहा पता नहीं कहां पे ही रखा हुआ है भाई. बहुत गंदी आवाज करते हैं कभी कभार भाई. अरे बाप रे,
कुछ चेंज हो गया, पूरा घर ही चेंज हो गया। लेट्स गो ऊपर एंड लेट द बॉल गो नीचे। अच्छा चेकर पीसेस ही ढूंढ रहा हूँ मैं अभी भी। बताओ मैं अपनी लास्ट पेंटिंग पे पहुंच ही गया था, ये फिर पजल्स क्यों दे रहे हो मेरे को? हैं मेरे को उसकी आंख चाहिए थी, मिल गई भाई। क्या ही हो रहा है भाई। बहुत ही गंदी आवाज करते हैं ये लोग। कुछ बदला? क्या अजीब सी पजल है ये। पजल है ही क्यों, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाली पजल सर में दर्द कर रही है मेरे। मैं ये कलर्स देख के भाई परेशान हो चुका हूं। अरे कौन क्या बजा? पियानो, फिर से मेरा दुश्मन। सर में दर्द हो गया गोल गोल घूम के भाई। तुम लोग मुझे डरा कम रहे हो, सर में दर्द ज्यादा हो रहा है मेरे। ये कर रही है ये हॉरर गेम। अरे बाप रे, क्या है ये कलर सी कलर। ज्यादा स्क्रीन मत घुमाओ। हो गया, फाइनली हम दरवाजों पे। अरे मेरी पेंटिंग। हेलो, ओके भाई पेंटिंग फिनिश होके कैसी लगेगी? पेंटिंग तो अच्छी लग रही है। यस दैट्स इट, इट्स ब्यूटीफुल। अपनी फिंगर दिखा, कौन सी फिंगर थी वो जो तूने काटी? जस्ट लाइक आई ऑलवेज इमेजिन। व्हाट इज दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड। No. Stop it. Please. I'm so close. This time, I almost had it. Whoo! इसकी creepy painting भाई। क्या हुआ? Give up कर दिया तो? Oh my God. ठंड लगी मेरे को, डरा नहीं मैं। तो ये परफेक्ट पेंटिंग नहीं बना पा रहा। तूने कितनी बार ट्राई करा बे? ब्लड, उंगलियां, तेरी उंगलियां सारी जिंदा कैसे हैं अभी भी? जिंदा कैसे बताओ? मेरे सर में दर्द हो रहा, मेरे से कमेंट्री भी नहीं हो रही अब। एक साइकोपैथ के दिमाग को नहीं समझ सकते हम। आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मेरे को नहीं पता इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस पेंटिंग के बाद इसने रियलाइज करा होगा कि इसकी मिस्टेक क्या हुई, इसने कितना गलत काम किया। वो जो चेकर्स वाली पजल है ना, उसने मेरा सर दर्द कर दिया बहुत गंदे वाला भाई। इधर आई, कुछ कुछ परफेक्ट हैं, कुछ कुछ में ये जल सी रखी है थोड़ी सी। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने। ए चाबी यूज नहीं हुई अभी, कहाँ जाना है फिर मेरे को? इधर आ, मेरा रूम। कुछ भी नहीं, नो पेंटिंग। आई नो यू मस्ट फील लॉस्ट अलोन होपलेस, यू प्रोबेबली डिजर्व, बट इवन फॉर यू देर इज स्टिल अ वे टू ब्रिंग इट ऑल बैक, द वन प्रीशियस थिंग यू ever truly desired. La painting. ये तो starting में नहीं पढ़ा था हमने, I think. अच्छा तो ये बेचारा loop में फंसा हुआ था, ये दिखाने चाह रहे हो तुम? तो ये जब भी अपनी पेंटिंग फिनिश करता था, इसे लगता होगा अबे ये परफेक्ट नहीं है, मैं और अच्छा बना सकता हूँ, और ये उसी लूप में फंसा रह गया, और इसी चक्कर में इसकी पूरी रिलेशनशिप जो है बर्बाद होती चली गई। हाँ वही मैं सोच रहा, मैंने कहा एक पेंटिंग में ऐसा क्या हो गया भाई, कितना ही साल लगा दिए इसने एक पेंटिंग बनाने में, पर एक नहीं
बहुत सारी पेंटिंग बना रहा था और सेम पेंटिंग बना रहा था और लगा ही पड़ा है भाई, डेडिकेशन की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ ये गेम हुई फिनिश और पहली बार ये जो लास्ट पार्ट है इसमें मेरे को सरदर्द हो गया। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ पर भाई वो चेकर्स वाली पजल, ओ माय गॉड। होप यू गाइस एंजॉयड। इसका सेकंड पार्ट भी है, इट डिपेंड्स ऑन द मूड कि मैं वो खेलूंगा या नहीं, बट इस गेम में काफी यू नो इट वॉज फन, एक्सप्लोर करना इस गेम को काफी फन था। और जंप स्केयर्स तो कुछ खास लगे नहीं मुझे, लेकिन ये हॉरर गेम थी तो आई गैस एक दो जंप स्केयर्स ने थोड़ा सा शेक कर दिया था मुझे। लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम लोगों को ये गेम कैसी लगी। और वेल मैं चला, मेरे सर दर्द हो रहा है। गुड बाय।